पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुछ छात्र पिछले 5 दिनों से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन गेट पर तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। आंदोलन की इसी कड़ी में सोमवार को भी छात्रों का आंदोलन जारी रहा। आंदोलन के दौरान छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि 5 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई भी अधिकारी उनकी सुधि लेने नहीं आया। वो भी अपनी मांगों पर अडिग हैं। जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र अनिल दुबे ने कहा, छात्र संघ चुनाव कराया जाए, कराया जाए, कराया जाए, छात्र संघ चुनाव कराया जाए, कराया जाए, कराया जाए, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 आवाज दो, एक है, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र। अनिल दुबे, धरने का ये 5वां दिन है। 4 दिनों से हम लोग लगातार दिन और रात लगातार बैठे रहे और ये 5वां दिन है जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग हमारी है कि आपको पता होगा तमाम सारी समस्याएं गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं। उन सारी समस्याओं का जो मूल है वो छात्र संघ में छुपा होता है। अगर छात्र संघ का चुनाव हो जाएगा तो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करा दे। आज 5 दिन हो गया, कोई प्रशासनिक व्यक्ति आया गोरखपुर विश्वविद्यालय? कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति अभी तक हम लोगों से मिलने के लिए नहीं आया है, हम लोगों की सुध जानने के लिए नहीं आया है। कुलपति महोदय पता नहीं कहाँ गायब है, ना किसी को भेज रहे हैं, ना वो खुद आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी मनसा ही नहीं है हम लोगों से मिल करके, हम लोगों की बात को सुन करके इसका एक समस्या का निदान करने का। अब आगे क्या करेंगे? आगे हम लोगों की रणनीति बन रही है। हम लोग तमाम छात्र नेता बैठ करके डेली रणनीति बनाते हैं अगले दिन क्या करना है। अगर इसी तरीके से लगातार चलता रहा, इसी तरीके से निरंकुशता बरकरार रही और हमारी मांगों को अगर नहीं सुना गया, अगर वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में आते हैं तो उनको फिर बंधक बनाने का भी काम हम लोग करेंगे।